विधायक देवीलाल धाकड़ ने सभी अधिकारियों के साथ व्यापारियों की बैठक हुई, जिनमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। गरोड़ जनपद सभा हॉल में विधायक देवीलाल धाकड़ ने व्यापारीगण अधिकारी गणों की बैठक ली। विधायक ने सभी व्यापारियों से चर्चा एवं कहा कि कोई भी व्यापारी बिना मास्क पहने ग्राहक को सामग्री ना बेचे। सामग्री खरीदने वाला और दुकानदार दोनों मास्क पहने रहे। अगर दुकानदार ने बिना मास्क पहने सामग्री बेची तो दुकान बंद करवा दी जाएगी। कपड़ा व्यापारियों ने कहा कि कपड़े की दुकान खोलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि कई जगह दुकानें संचालित हो रही हैं। रेडीमेड और कपड़ा दुकान के लिए विधायक और SDM ने 1 तारीख बाद खोलने का आश्वासन दिया है। SDM ने कहा, विधायक जी और बाकी अधिकारीगण बैठक कर निर्णय कर अनुमति दे देंगे। थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार यादव ने ग्रामीण क्षेत्र में की गई व्यवस्था के बारे में बताया। TI ने बताया कि खजूरी रुमडा खड़ावदा साठखेड़ा पॉइंट बना रखे एक गाड़ी, जिसमें पुलिस जवानों की ग्रामीण क्षेत्रों में घूमती है। गाड़ी 24 घंटे चलती है, सुरक्षा के सारे इंतजाम किए हुए हैं। विधायक ने व्यापारियों से कई बिंदुओं पर चर्चा की। SDM ने कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन द्वारा दिए जा रहे कार्य की जानकारी की। विधायक ने SDM को सख्त निर्देश दिए कि बाहर से आए कोई भी व्यक्ति बिना जांच बिना ना रहे। ट्रक ड्राइवरों की भी जांच करें, सब्जी वालों की भी जांच की जाए। CMO ने कहा कि कहीं कोई चूक ना हो, हर भारी व्यक्ति की जांच करवाएं। ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन ही ऐसा टोकेगा, आप भी अपना टोक के उनको जो पालन है वो पालन करा सकते हैं। आपको ये करना चाहिए, जैसे फर्क पड़ेगा ठीक होगा। हर व्यक्ति डॉक्टर तो फिर बाबा रामदेव जी का गर्म पानी पीना, फिर तुलसी का ये काढ़ा बना के पीना, गर्म ठंडी चीज़ों से परहेज करना, ये वास्तव में सही है। और उसके कारण जनता कर्फ्यू के कारण, इसके कारण शासन ने जो निर्णय किया उसके कारण अपने देश में जितना विदेशों के अन्य देशों में ये द्रुत गति से फैला है, अपने देश में नहीं फैला। नहीं तो दुनिया के अन्य देशों की हालत हमको मालूम है। और इसलिए कहते हैं कि वो अमेरिका के ह्यूस्टन में वहाँ के चिकित्सा वैज्ञानिकों की 3 घंटे बैठक चली हमारे इस जनता कर्फ्यू के बाद। इसी बारे में समाज वालों को, व्यापारी लोगों को, सबको इस बीमारी के प्रति सजग भी रहना चाहिए और प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है उसमें सहयोग भी देना चाहिए, क्योंकि केवल प्रशासन के आधार पर ही हम इस पर कंट्रोल नहीं पाएंगे जब तक समाज वाले जागृत नहीं होंगे। और इसलिए जो जो भी व्यवसाय में छूट दी है, ये उनका दायित्व है कि वो इसका पालन करें। यदि इसका पालन नहीं करते तो वो गलती करते हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है ऐसे लोगों के खिलाफ भी। फिर कुछ लोगों के साथ जो है वो कहते ना, को भी जाति जैसा मौका भी आता है, तो ऐसे आने की स्थिति होना नहीं चाहिए। उनको स्वयं को प्रयत्न करना चाहिए कि हम कम से कम इसका पालन करें। वो बताओ, सिखा देंगे एकदम, हम किसी का फोन नहीं उठाते हैं, वो किसी का भी फोन वो नहीं करते हैं। ये तो आप उनसे पूछना, आप नहीं बात करूँगा हमसे, है ना। मैं प्रयत्न करता हूँ, मैं सुबह से शाम तक लगभग 400-500 टेलीफोन उठाता हूँ। मैं भोजन करते समय भी मैं 10 टेलीफोन उठाता होगा। तो कुछ लोग कहते हैं भोजन करने के क्या क्या निर्णय लिए गए और क्या महत्वपूर्ण बात आज की मीटिंग में, मेरे ख्याल से आप सब थे, आप लेट आए होंगे। ये मीटिंग रखने के पीछे हेतु यही था कि इतने समय से अभी हम बचे हुए हैं, कोरोना पॉजिटिव हमारे यहाँ नहीं, ये खुशी की बात है। कम से कम आगे जाकर भी हम इसका पालन करें। धीरे धीरे व्यापार व्यवसाय में क्या छूट दे सकते क्या नहीं दे सकते, समय में क्या परिवर्तन करता क्या नहीं करना, ऐसा सुझाव भी सब लोगों के ले लेंगे। ये सोचकर इसमें निर्णय किया था, कई लोगों ने अच्छे सुझाव भी दिए, जैसे मास्क नहीं लगाता है तो उसको कोई सामान नहीं देना चाहिए किसी भी दुकानदार को। तो ये इस प्रकार का निर्णय आज सभी ने मिलकर सामूहिक रूप से किया है। इसका मार्केट के लिए, मार्केट के लिए 1 तारीख से समय बढ़ाने का विचार किया है कि 4 बजे तक का समय और दुकानदारों को दे देंगे, पर वो इन नियमों का पालन करना उनके लिए आवश्यक है। डिस्टेंस बनाए रखना, मास्क लगा के उसके या तो स्वयं मास्क देवें, जो नहीं आए कि मास्क पहले लगाएं उसको और उसके बाद सामान दें, या फिर मना कर दें कि नहीं आपके चेहरे पर मास्क नहीं तो सामान नहीं देंगे, ताकि ग्राहक जो है उसका पालन करेगा।